Welcome back students. Today in this video we will start with a new factor of a abiotic component, that is the adapic factor. In the last video, in the previous video, we are complete discuss about the climatic factor and the parts like temperature, light, pH, rainfall, everything. Now in this video we will start with new factor, that is the adapic factor, or it is also the part of abiotic components. Okay. Adapic factor kya hota hai beta? Jo adapic factor hote hain wo kis se deal karte hain? Adapic factor deal with the factors that are related to the structure and composition of soil. ठीक है, कि जो बेटा adapic factor है वो किससे deal करता है, कि जो soil का structure कैसा है, कि वो उसके अंदर कैसे gravels present है, coarse texture है, ठीक है, और उसके साथ साथ उसकी कंपोजिशन कैसी है, कि उसके अंदर कितने मिनरल्स प्रेजेंट हैं, कितना क्या मतलब मिनरल्स कैसे हैं, सैंड किस तरह की है, कितना पार्टिकल साइज है. जब हम इस तरह की जब हम सॉइल की स्टडी करते हैं और सॉइल के जो फिजिकल फैक्टर हैं, जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है और उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है बेटा, जब इनके बारे में भी हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, वो किसके अंदर आता है बेटा, एडैपिक फैक्टर के बारे में आता है. ठीक है, कई बार बेटा क्वेश्चन भी आता है, अगर हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हम बात करते हैं, कई बार क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेट विद द एडैपिक फैक्टर. ठीक है, कि कौन सा कंपोनेंट है या कौन सा फैक्टर है जो हम एडैपिक के अंदर डिस्कस करते हैं, तो वो जो सॉइल है, ठीक है, वो किसके अंदर डिस्कस करते हैं, एडैपिक फैक्टर के अंदर. और कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि सॉइल इज रिलेटेड विद विच टाइप ऑफ फैक्टर. ठीक है, ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं, टोपोग्राफिकल फैक्टर, एडैपिक फैक्टर. ठीक है, तो डिफरेंट ऑप्शन देके आप बता सकते हैं, तो आप आंसर दोगे क्या, सॉइल इज रिलेटेड विद द एडैपिक फैक्टर. ओके, अब बेटा क्या है कि जो एडैपिक फैक्टर है, मैंने कहा कि उसके अंदर हम क्या करते हैं, सॉइल के बारे में डिस्कस करते हैं. ठीक है, जो सॉइल बेटा जो वर्ड है, आपने सबने इसका जब आप 4th-5th क्लास में होंगे वहीं से आपने इसका मीनिंग सीख लिया होगा, सॉइल मतलब मिट्टी. ठीक है, अगर हम बात करें जो सॉइल बेटा जो वर्ड आया है वो एक लैटिन लैंग्वेज से आया है, जिस कौन से सॉरी लैटिन वर्ड किससे आया है, सोलम. ठीक है, सोलम का मतलब होता है क्या, अपर मोस्ट लेयर ऑफ लैंड. अपर मोस्ट लेयर ऑफ लैंड की जो लैंड की जो सबसे अपर मोस्ट, जो सबसे ऊपरी जो परत होती है, लेयर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सोलम बोलते हैं. और सॉइल भी बेटा क्या है, अर्थ की, अर्थ क्रस्ट की हम बात करें, जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है वो क्या होती है, सॉइल होती है. जो हमने लास्ट वीडियो बेटा हमने डिस्कस की थी, अगर आपने देखी है, हमने उसमें रेनफॉल के बारे में डिस्कस किया था. ठीक है, रेनफॉल के अंदर हमने क्या है, शिम्पर्स फर्स्ट फ्लो डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने बताया था क्या, कि अगर किसी एरिया पे, किसी लैंड पे जो वेजिटेशन है, ठीक है, ट्रॉपिकल और नबातुर जो एरिया है, ट्रॉपिकल और जो सब ट्रॉपिकल एरिया है बेटा, उसके अंदर जो प्लांट्स की जो वेजिटेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करती थी, रेनफॉल और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करती थी. यहीं पे ही सॉइल से रिलेटेड, ठीक है, जो एक साइंटिस्ट है शिम्पर्स, उन्होंने अपना लॉ दिया है जिसका नाम है क्या, शिम्पर्स सेकेंड लॉ. ठीक है, कई बार बेटा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है कि जो शिम्पर्स फर्स्ट लॉ है वो किससे डील करता है और जो शिम्पर्स सेकेंड लॉ है वो किससे डील करता है. ठीक है, जो शिम्पर्स फर्स्ट लॉ है बेटा वो ह्यूमिडिटी और रेनफॉल से क्या करता है, अगर मैं यहाँ पे लिख दू जो शिम्पर्स, ठीक है, फर्स्ट लॉ, ठीक है, जो शिम्पर फर्स्ट लॉ है बेटा वो किससे डील करता है, वो वेजिटेशन से डील करता है, मतलब जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है, जो किसके ऊपर डील करती है, रेनफॉल और ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी से डील करती है. ठीक है, और जो शिम्पर सेकंड लॉ है बेटा वो किससे डील करता है, कि जो वेजिटेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है, वेजिटेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है, सॉइल के ऊपर. ठीक है, हम इसके एक्सप्लेन भी करेंगे, बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कई बार क्या होता है, जब इकोलॉजिकल का जो एग्जाम होता है तो वहां पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि शिम्पर फर्स्ट लॉ किससे डील करता है, सेकंड लॉ किससे डील करता है, तो आप लोग यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं. ठीक है, अब हम जो सेकंड लॉ है, शिम्पर सेकंड लॉ है, उसको डिटेल में पढ़ते हैं क्या है वो. जो बेटा शिम्पर सेकंड लॉ है वो क्या कहता है, इट्स सेड दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ प्लांट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट इन अ रीजन इज
डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉइल दैट इज प्रेजेंट एट दिस पर्टिकुलर एरिया. सॉइल दैट इज प्रेजेंट एट द पर्टिकुलर एरिया. ठीक है, अब यहां पे बेटा हमने क्या चीज लिखी कि जो प्लांट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसी रीजन में, ठीक है, कि एक एरिया है, कोई भी हम एरिया मेंशन करें, ए बी सी. अगर हम बात करें बेटा राजस्थान की, हम लोगों को अगर हम एरिया वाइज तीन तरह की मैं अगर डिस्कस करूं, एक रीजन मैंने ले लिया बेटा क्या हरियाणा, ठीक है, एक रीजन मैंने ले लिया क्या राजस्थान. मैं यहां पे थोड़ा रब कर देती हूं, ठीक है, एक एरिया बेटा ए हमने ले लिया क्या हरियाणा रीजन, दूसरा हमने ले लिया बेटा क्या राजस्थान का एरिया ले लिया, ठीक है, और तीसरा हमने एरिया ले लिया बेटा किसका गुजरात का. ठीक है, आप लोग क्या देखते हैं कि जो हरियाणा है वहां की जो लेयर है वो जो सॉरी सॉइल है वो क्या बहुत फर्टाइल है, ठीक है, दैट मीन्स कि वहां पे क्या है हम मैनी काइंड ऑफ वेजिटेशन को क्या कर सकते हैं देख सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे इजिली क्या है जो प्लांट्स लाइक अगर मैं बात करूं मेन क्रॉप यहाँ पे जो वीट और राइस है बेटा वो क्या होते हैं इजिली क्या करती है ग्रो करती है. ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी राजस्थान की, जो राजस्थान की जो सॉइल है वो कैसी है सैंडी सॉइल है. ठीक है, सैंडी सॉइल मतलब कि रेतीली मिट्टी है. ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि साथ साथ उसके अंदर जो सैंडी सॉइल उसके अंदर जो वाटर कंटेंट है बेटा वो भी क्या है बहुत लो है. ठीक है, तो इस वजह से जो राजस्थान है उसके अंदर जो मेन क्रॉप जो ग्रो करती है बेटा जो हमें वहां पे चीफ जो क्रॉप है वो किसकी है बाजरा. ठीक है, जिसको हम मिलेट्स भी बोलते हैं. उसके बाद अगर मैं गुजरात की बात करती हूँ, गुजरात में आप एक चीज देखोगे क्या कि वहां की जो मिट्टी है वो कैसी होती है ब्लैक सॉइल. ठीक है, काली मिट्टी. ठीक है, और जो ब्लैक सॉइल है बेटा वो किसके प्रोडक्शन के लिए फेवर करती है कॉटन. ठीक है, और इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि जो गुजरात है वहां पे जो मेन प्रोडक्शन होता है किसका होता है कॉटन का होता है, राजस्थान में बाजरा और हरियाणा में वीट राइस के इजिली ग्रो करते हैं. दैट मीन्स कि जो जहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्लांट का, ठीक है, जो प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन है किसी रीजन में वो किसके ऊपर डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है जो उस पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट है. दिस इज द शिम्पर्स सेकंड लॉ. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बेटा सॉइल फॉर्मेशन के बारे में. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द शिम्पर्स सेकंड लॉ. नाउ वी आर गोइंग टू द सेकंड टॉपिक दैट इज रिलेटेड विद द सॉइल दैट इज द सॉइल फॉर्मेशन. ठीक है, जो बेटे सॉइल फॉर्मेशन है मतलब सॉइल का बनना कि सॉइल बनती कैसी है. सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है, जो सॉइल है बेटा वो क्या होती है दो तरह से दो प्रोसेस में क्या होती है डिवाइड होते हैं. उसका जो बनने का जो प्रोसेस है बेटा वो दो प्रोसेस में क्या होता है डिवाइड होता है. फर्स्ट इज वेदरिंग ऑफ रॉक एंड सेकेंड वन इज पेडोजेनेसिस. ठीक है, वेदरिंग ऑफ रॉक का मतलब होता है क्या बेटा पत्थरों का टूटना. ठीक है, जो वेदरिंग ऑफ रॉक होती है, ठीक है, वो क्या होती है बेटा तीन प्रोसेस की हेल्प से होती है. ठीक है, वन इज केमिकल, ठीक है, सेकेंड वन इज फिजिकल एंड थर्ड वन इज द बायोलॉजिकल मेथड. ठीक है, थ्री मेथड है किसके वेदरिंग ऑफ रॉक के. अब केमिकल में क्या है बेटा कि जहां पे लेट्स सपोज कि एक मैं यहां पे ड्रॉ कर लेती हूँ, बहुत बड़ा क्या है एक बेटा रॉक है. ठीक है, जब रॉक पे क्या होगा पानी लगेगा एयर लगेगी. ठीक है, तो इसके अंदर क्या होती है बहुत सारी क्या होती है रिएक्शंस होती है. लाइक जो रिएक्शन होंगी यहाँ पे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हो सकती है, मतलब वाटर की हेल्प से ब्रेक डाउन हो सकता है इनका, हाइड्रेशन हो सकता है, मतलब पानी से थोड़ा इसके अंदर जब पानी जाएगा बेटा तो वो क्या करेगा इसके अंदर जब पानी रॉक के साथ टकराता है
अगर आपको पता भी हो कि जो रिवर्स होती हैं या कहीं से जब जहां पे भी रेनफॉल होता है वो बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ क्या होता है, रॉक के ऊपर जब टकराता है तो वो क्या करता है, क्रैक प्रोड्यूस करता है किसके अंदर, रॉक के अंदर, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑल दिस रिएक्शन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेदरिंग ऑफ रॉक, ठीक है। अगर हम फिजिकल मेथड में बात करें बेटा, फिजिकल में क्या चीज होता है कि बहुत सारी जैसे अब जब सनलाइट यहाँ पे पड़ती है, ठीक है, इस रॉक के ऊपर जब क्या होगी सनलाइट बेटा पड़ेगी, ठीक है, डे टाइम पे क्या होता है सन विजिबल होता है, ठीक है, सन होता है, तो जब सनलाइट यहाँ पे पड़ेगी तो रॉक के ऊपर क्या होगा, हीटिंग होगी, ठीक है। और हीटिंग होने से जब आप किसी भी चीज को गर्म करते हैं, जब हीट पर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो वो क्या कर जाता है, एक्सपेंड कर जाता है। दैट मीन्स कि जब यहाँ पे हीट होगी तो जो ये रॉक है बेटा वो क्या कर जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, और जब एक्सपेंड हो जाता है तो वो जल्दी क्या हो जाता है, फ्लैटन शेप में, और इसमें क्रैक आना स्टार्ट हो जाता है। जब बेटा डे टाइम होगा और जब सनलाइट की जो रेज है वो नहीं पड़ेगी तो वहां पे कौन सा इफेक्ट आ जाएगा, कूलिंग, ठीक है। और बेटा जब क्या होता है, बार बार हीटिंग एंड कूलिंग होता है, एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट होगी, कूलिंग से क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन, ठीक है। हीटिंग एंड कूलिंग जब बार बार होंगी तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएंगे, क्रैक्स प्रोड्यूस हो जाएंगे किसके अंदर, रॉक के अंदर, ठीक है। इसके साथ साथ वेटिंग मतलब गीला हो जाना, ड्राइंग, ठीक है, बारिश हुई तो वेट हो जाएगा और जब क्या हुआ दोबारा सनलाइट आएगी तो ड्राई हो जाएगा। तो ऑल दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टी इन विच द दैट हेल्प इन द वेदरिंग ऑफ रॉक, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, बायोलॉजिकल मेथड की। अगर हम बायोलॉजिकल मेथड में बात करें बेटा, जब आपने अपनी प्लस टू क्लास में पढ़ा होगा, प्लस टू क्लास में आप लोगों ने सक्सेशन के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। सक्सेशन में क्या होता है कि जब हम एक जो एरिया है विद द पैसेज ऑफ टाइम एक न्यू एरिया में क्या होता है, कवर हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सक्सेशन बोलते हैं, ठीक है। अब उसमें आपने जिराक सक्सेशन पढ़ा होगा जिसमें जो बेयर एरिया होता है वो फर्टाइल लैंड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जिसमें जो बेयर एरिया होता है मतलब जो रॉकी एरिया होता है उसके अंदर जो फर्स्ट स्पीशीज होते हैं उसको हम फाइनल स्पीशीज बोलते हैं, जो आके क्या करती है, इन्वेड करती है एक न्यू एरिया को। तो बायोलॉजिकल में भी क्या होता है, जब केमिकल रिएक्शन इसके अंदर हो जाते हैं, फिजिकल रिएक्शन होने की वजह से इस रॉक के अंदर क्या आ जाते हैं बेटा, क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है। और क्रैक्स आने की वजह से यहाँ पे जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैं बोल सकती हूँ या फिर जो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यहाँ पे क्या करना, ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होते हैं, जो मॉस है, मॉसेस होते हैं, ठीक है, ब्रायोफाइट्स से जो बिलोंग करते हैं वो बेटा ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके साथ साथ लाइकेन होते हैं बेटा, वो ग्रो कर जाते हैं। और जब मॉसेस और लाइकेन ये क्या करेंगे, अपना लाइफ प्रोसेस करेंगे तो बहुत सारे क्या करते हैं, मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं, और इससे जो ये क्रैक है वो और ज्यादा क्या हो जाते हैं, डिपेंड हो जाते हैं, ठीक है। जब ये और ज्यादा डिपेंड हो जाएंगे तो जो ये रॉक है बेटा वो क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा मैनी पीसेस में, और इसको हम क्या बोलते हैं, विदरिंग ऑफ रॉक, ठीक है। यहाँ पे फंजाई, लाइकेन, मॉसेस, ठीक है, ये सब चीजें क्या करेंगी, ग्रो करेंगी, दैट ऑल दीज थिंग्स आर प्रोड्यूसेस क्रैक इन अ रॉक एंड हेल्प इन द वेदरिंग ऑफ रॉक। दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस इन द सॉइल फॉर्मेशन। नाउ वी आर डिस्कस विद अ न्यू प्रोसेस दैट इज पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस क्या है बेटा, अब देखो पेडो, ठीक है, पेडो जो बेटा सॉइल की जो स्टडी होती है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है वन मार्क में, द स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज पेडोलॉजी। दैट मीन्स की जो पेडो वर्ड है दैट कहीं ना कहीं रिलेटेड करता है सॉइल से, तो पेडो वर्ड इज रिलेटेड विद द सॉइल, और जेनेसिस का मतलब होता है बेटा क्या, फॉर्मेशन, या वी कैन से दैट डेवलपमेंट, ठीक है। अब वेदरिंग ऑफ रॉक होने के बाद क्या होता है बेटा, जो सॉइल है वो क्या करती है, डेवलप करती है, कैसे, कि उसके अंदर बहुत सारी क्या होती है, रिएक्शंस फर्दर होंगे, उसके अंदर क्या होगा, जो बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है वो क्या होगा बेटा, उसके अंदर प्रोड्यूस होगा। दैट मीन्स इसके अंदर क्या है, वेदरिंग ऑफ रॉक होने के बाद, यहाँ पे लिख देती हूँ, वेदरिंग ऑफ रॉक होने के बाद उसके अंदर बायोकेमिकल, बायोफिजिकल, बायोफिजिकल और वी कैन से दैट बायोजियोकेमिकल कुछ साइकिल्स और प्रोसेस, बायोजियोकेमिकल जो कुछ साइकिल्स हैं बेटा वो क्या होते हैं, परफॉर्म होते हैं, ठीक है।
ये जब साइकिल्स वहां पे या प्रोसेस जब होते हैं तो सॉइल क्या करती है, डेवलप करती है, ठीक है, और ज्यादा वो क्या हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है, उसके अंदर एक जो टेक्सचर है वो क्या होता है, मेंटेन हो जाता है, उस जो सॉइल डेवलपमेंट का जो बेटा प्रोसेस होता है, ठीक है, सॉइल डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेडोजेनेसिस, और यू कैन राइट दिस, द प्रोसेस ऑफ सॉइल डेवलपमेंट, द प्रोसेस ऑफ सॉइल डेवलपमेंट इज नोन एज पेडोजेनेसिस, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेडोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। अब हम मूव करते हैं किस पे, टाइप्स ऑफ सॉइल पे, ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेवल्स और वी कैन से दैट कोर्स टेक्सचर, बिकॉज उस पर हम बाद में पढ़ेंगे, वहां पे जो सॉइल है उसको हम पार्टिकल के साइज, क्योंकि जो सॉइल का पार्टिकल है वो किस साइज का है उसके बेस पे हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, लाइक ग्रेवल्स पे, सैंडी सॉइल, कोर सॉइल, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम जो टाइप ऑफ सॉइल डिस्कस कर रहे हैं वो किस बेस पे कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन के बेस पे जो सॉइल है बेटा उसको हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, फर्स्ट इज रेजिडुअल सॉइल, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज नोन एज ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ठीक है। जो रेजिडुअल सॉइल है मतलब बेटा क्या है, रेजिडुअल दैट मीन्स की जो मतलब जो प्रोसेस किससे हो, जो सॉइल क्या है, वैदरिंग ऑफ रॉक एंड पेडोजेनेसिस जो से क्या होती है, डेवलप होती है, फॉर्म होती है, वैदरिंग एंड पेडोजेनेसिस के जो प्रोसेस है बेटा उससे क्या है, अगर कोई सॉइल फॉर्म होती है तो उस सॉइल को हम बोलते हैं रेजिडुअल सॉइल। जो हमने अभी रिसेंट जो प्रोसेस डिस्कस किया है सॉइल फॉर्मेशन का, दैट इज द टाइप ऑफ रेजिडुअल सॉइल, ठीक है। अब है ट्रांसपोर्टेड सॉइल, दैट मीन्स कि आपके उसके नाम से क्लियर हो रहा है कि जो सॉइल किसी की जो ट्रांसपोर्ट की जाए किसी मीडियम की हेल्प से, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। अभी डिफरेंट एजेंसीज की हेल्प से क्या होते हैं, जो सॉइल है बेटा ट्रांसफॉर्म होती है, उस बेस पे हम सॉइल को क्या करते हैं, चार कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट कौन सी है बेटा, एल्यूवियल सॉइल, यहाँ पे मैं टाइप लिख देती हूँ, फर्स्ट ट्रांसपोर्टेड सॉइल के एल्यूवियल सॉइल, ठीक है, सेकेंड वन इज कोलुवियल सॉइल, ठीक है, थर्ड वन इज ईओलियन सॉइल, एंड लास्ट वन इज ग्लेशियल सॉइल, ठीक है। अब एलोवियल सॉइल पे बात करें बेटा, एलोवियल सॉइल क्या होती है कि जो सॉइल क्या होती है, विद द हेल्प ऑफ वॉटर ट्रांसपोर्ट होती है, ट्रांसपोर्टेड बाय वॉटर की जो वॉटर की हेल्प से बेटा ट्रांसपोर्ट हो, आपके क्वेश्चन कई बार टर्म्स में पूछे जा सकते हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं, एलोवियल सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय वॉटर, कोलुवियल सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी की जो ग्रेविटेशनल फोर्स की हेल्प से क्या हो ट्रांसपोर्ट हो उसको हम बोलते हैं कोलुवियल, ठीक है। थर्ड वन इज ईओलियन सॉइल, दैट इज ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ और ट्रांसपोर्टेड बाय एयर, ठीक है। और ग्लेशियल सॉइल, ग्लेशियर के नाम से क्लियर होता है, ट्रांसपोर्टेड बाय ग्लेशियर्स, कि जब ग्लेशियर क्या होते हैं, स्लिप करते हैं तो उसकी हेल्प से जो सॉइल ट्रांसपोर्ट होती है उसको हम बोलते हैं क्या, ग्लेशियर सॉइल, ठीक है। तो एल्यूवियल जो वॉटर की हेल्प से, कोलुवियल जो ग्रेविटी की हेल्प से, ईओलियन जो एयर की हेल्प से, और ग्लेशियर जो ग्लेशियर की हेल्प से क्या होती है, ट्रांसपोर्टेड होती है बेटा, उसको हम बोलते हैं क्या, ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में बेटा, सॉइल प्रोफाइल के बारे में, ठीक है।
सॉइल प्रोफाइल, देखो अब जो सॉइल प्रोफाइल है उसके बेस पे हम क्या करते हैं, हॉरिजन फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो मैं हेडिंग देती हूँ यहाँ पे क्या, सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। पहले सॉइल प्रोफाइल को समझते हैं, फिर हम हॉरिजन को समझते हैं कि हॉरिजन क्या है। पहले बेटा सॉरी, पहले हम हॉरिजन समझते हैं। आपने हॉरिजन का नाम, अगर आपने सॉइल के बारे में पहले पढ़ा तो हॉरिजन के बारे में भी पढ़ा होगा। उससे पहले मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ जिससे आप लोगों को थोड़ा समझने में और इजी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बनाया, ये प्लांट्स बना दिए, ठीक है। उसके बाद छोटे साइज के थोड़े से कोर्स टेक्सचर्ड के मैंने थोड़े से ग्रेवल्स बना, ग्रेवल्स नहीं बोलूंगी, पार्टिकल्स बोलूंगी। उसके बाद थोड़े से बड़े साइज के बेटा मैंने ग्रेवल्स फॉर्म कर दिए, ठीक है। और फिर बहुत बड़े क्या है जो ग्रेवल्स है वो फॉर्म करेगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे चार तरह का टेक्सचर फॉर्म किया है, ठीक है। यहाँ पे जो उसके पार्टिकल साइज के क्या है, सॉइल प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सॉइल है बेटा उसके चार होरिजोन होते हैं, इनको हम कैटेगराइज करते हैं, ए होरिजोन, दिस इज द बी होरिजोन, सी होरिजोन एंड डी होरिजोन, ठीक है। अब बेटा अगर आप देखा जाए ये क्या है, एक लेयर्स है, किसकी, सॉइल की। किस बेस पे, पार्टिकल्स की साइज के बेस पे, कलर के बेस पे, टेक्सचर के बेस पे, किसके, सॉइल के, कि सॉइल का पार्टिकल कैसा है, टेक्सचर कैसा है, कलर कैसा है, उसके बेस पे हम क्या कर रहे हैं, कुछ लेयर्स फॉर्म करेंगे। जो बेटा ये लेयर्स फॉर्म होती हैं सॉइल की, उसको हम बोलते हैं क्या, होरिजोन, ठीक है। और इसको मैं डिफाइन कर कैसे कर सकती हूँ, होरिजोन क्या है, दीज आर द सीक्वेंस ऑफ लेयर, सीक्वेंस ऑफ लेयर दैट आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर, कलर एंड कंपोजिशन ऑफ सॉइल, ठीक है। कि जो हॉरिजोन है बेटा, ये सारे हॉरिजोन क्या है, सीक्वेंस है, किसके, सॉइल के, जो किसके बेस पे फॉर्म किया हमने, टेक्सचर कलर कैसा है सॉइल का, उसके बेस पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजोन बोलते हैं, ठीक है। और जो बेटा सॉइल प्रोफाइल है वो क्या है, कि जब हम क्या करते हैं इनको, जब इन लेयर्स का जो सक्सेशन में, जो ये बेटा सीक्वेंस बना इन लेयर्स का, ठीक है, जब इनका सक्सेशन होता है, सक्सेशन मतलब फॉर्मेशन, चेंज, जब बनती है ये, ठीक है, सक्सेशन ऑफ, यहाँ पे तो क्या है कि मैं जस्ट कैटेगरी करी, हॉरिजॉन में तो क्या है कि जो बन चुकी हैं हमने क्या करी, कैटेगरी करी। अब ये बनती कैसे है, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, सक्सेशन। जो सक्सेशन है किसका, सुपर इम्पोज्ड, ठीक है, सुपर इम्पोज क्यों बोला, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर क्या है, अरेंज है, ठीक है। सक्सेशन ऑफ सुपर इम्पोज लेयर ऑफ सॉइल इज नोन एज होरिजन, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल। तो हमने यहाँ पे दो टर्म क्लियर करी, क्या, वन इज होरिजोन एंड अनदर वन इज सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल इज डायरेक्टली बेस्ड ऑन होरिजोन, दैट्स व्हाई वी आर फर्स्ट डिस्कस ऑन द होरिजोन। होरिजोन इज व्हाट, सीक्वेंस ऑफ लेयर, कि जब लेयर क्या है, एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, सीक्वेंस फॉर्म करती है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर एंड कलर, देन फॉर्म ए होरिजोन। एंड जब ये बनती है, जो वो प्रोसेस होता है बेटा, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, क्योंकि सबसे पहले बड़े पत्थर होते हैं, बड़े से छोटे बनेंगे, फिर उससे छोटे, और जब बहुत छोटा पार्टिकल साइज हो जाएगा तो उसमें क्या होगी, वेजिटेशन ग्रो करना स्टार्ट कर जाएगी। तो ये क्या, एक प्रोसेस है पूरा का पूरा। तो वो जो प्रोसेस है वो क्या फॉर्म करती है, सॉइल प्रोफाइल फॉर्म करती है, ठीक है। अब ये जो लेयर्स फॉर्म करी बेटा, जो मतलब हमने होरिजोन फॉर्म करे, तो सॉइल के बेटा चार होरिजोन होते हैं, हम उनको ही डिस्कस कर रहे हैं अभी। होरिजोन्स ऑफ सॉइल, होरिजोन ऑफ सॉइल, ठीक है, और वी कैन से दैट लेयर्स ऑफ सॉइल। तो जो होरिजोन है बेटा सॉइल के, वो कितने हैं, चार टाइप के, ठीक है। फर्स्ट इज नोन एज ए होरिजोन, ठीक है। सेकंड वन इज नोन एज
बी होरिजोन, ठीक है, थर्ड इज नोन एज सी होरिजोन एंड लास्ट वन इज द डी होरिजोन, डी होरिजोन, ठीक है, ए बी एंड सी। अब देखो यहां पे मैंने मेंशन कर रखा है ए बी सी और डी। अगर मैं बेटा स्टार्टिंग करूं, अगर सक्सेशन के प्रोसेस से स्टार्ट करूं तो यहां से स्टार्ट होगी सॉल फॉर्मेशन, देन द फर्स्ट डी सी बी और ए, ठीक है। अगर यहां डी से देखूं तो सबसे पहले डी लेयर में क्या प्रेजेंट है बेटा, अनविदर्ड रॉक, अनविदर्ड मतलब जहां पे क्या जो रॉक है उनका विदरिंग मतलब उनका टूटना जहां पे बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हुआ, तो डी होरिजोन में हमेशा क्या आएंगे, अनविदर्ड रॉक। ये आपसे क्वेश्चंस में भी पूछ सकते हैं कि डी होरिजोन में क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब बेटा सी होरिजोन, सी होरिजोन पे आप देखो कि यहाँ पे रॉक तो है लेकिन वो क्या है, कंप्लीटली विदर्ड नहीं है, क्या है, थोड़े से इनसे जो बड़े साइज से मतलब डी जो होरिजोन इसमें तो क्या है एग्जैक्ट ग्रेवल पत्थर प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जो सी है उसमें क्या है ये ब्रेक हो चुके हैं, तो यहाँ पे लिख सकती हूँ मैं क्या, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीटली वेदर्ड रॉक, कि जो क्या है अच्छे से नहीं हुए बट होने स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब जो बी होरिजोन है बेटा इसमें आप देखोगे क्या कि जो ये अनवेदर्ड रॉक थे वो थोड़े से मोटे मोटे साइज के क्या है, कोर्स मतलब जैसे थोड़े मोटे साइज के जो पार्टिकल्स है सोयल के उसके अंदर टूट चुके हैं, तो यहां पे मैं बी होरिजन में डाल सकती हूं क्या, कोर्स टेक्सचर्ड पार्टिकल्स ऑफ सोयल, ऑफ सोयल, ठीक है। और बेटा जो बी होरिजन होता है इसके अंदर कुछ मेटल्स भी क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, कौन कौन सी, लाइक एल्यूमिनियम एंड आयरन, जहां पे क्या होता है कि जो यहाँ पे मेटल्स जब लीच करके आते हैं तो वहां पर रीडिपोजिट हो जाती हैं, इसके अंदर बी एरिया के अंदर रीडिपोजिशन ऑफ जो मेटल्स है या फिर मैं एलिमेंट्स बोल सकती हूँ, वहां पे डिपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बचा बेटा क्या हमारा ए होरिजोन, जिसको हम बोलते हैं टॉप मोस्ट लेयर ऑफ, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे यहाँ पे प्लांट्स भी ग्रो कर चुके हैं, अगर प्लांट्स ग्रो करे हैं तो दैट मीन्स कि यहाँ पे बेटा इनका जो फॉलन पार्ट है प्लांट्स का वो भी यहाँ पे क्या है, फोल्ड डाउन कर जाएगा, दैट मीन्स कि जो ए होरिजोन है इसके अंदर क्या होगा, ह्यूमस, ठीक है, जो डार्क कलर का एमोर्फस मटेरियल प्रेजेंट होता है जो सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करता है बेटा, इंक्रीज करता है, वो भी कहां पे प्रेजेंट हो सकता होगा, ए होरिजोन में, ठीक है। दैट्स व्हाई कि जो ए लेयर है ये कैसी लेयर होती है, फर्टाइल, ठीक है, कैसी लेयर होती है, फर्टाइल, ह्यूमस प्रेजेंट होगा बेटा इसके अंदर, और प्लांट यहाँ पे ग्रो कर चुके थे यहाँ पे डेट्रिटस मतलब जो पार्शियल डिकम्पोज मटेरियल होता है वो क्या होगा यहाँ पे प्रेजेंट होगा, साथ में डफ, डफ किसको बोलते हैं बेटा, जो फेयरली लीफ जैसे जो हवा चलती है तो कुछ जो प्लांट के पत्ते होते हैं वो फॉल डाउन कर जाते हैं ग्राउंड पे, उसको बोलते हैं डफ। तो यहाँ पे क्या है, जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ जो सॉइल है जो क्या होती है बहुत फर्टाइल होती है, डेट्रिटस, ह्यूमस और डफ जहां पे प्रेजेंट होता है उसको हम कैटेगराइज करते हैं किसके अंदर, ए होरिजोन के अंदर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो सॉइल की लेयर्स थी उनको चार कैटेगरी में डाला, ए बी सी एंड डी। डी में बेटा क्या है, बहुत बड़े साइज के ग्रेवल्स हैं, अनविदर्ड रॉक, इनकम्प्लीट विदर्ड रॉक, उसके बाद कोर्स टेक्सचर, और उसके बाद क्या है फाइन जो पार्टिकल्स है सॉइल के प्रेजेंट है, एंड दिस इज द टॉप मोस्ट लेयर एंड द फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल। सो दीज आर द होरिजन ऑफ सॉइल। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर स्टार्ट विद द न्यू प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, दैट इज द कंपोजिशन ऑफ सॉइल, इन विच द वी आर डिस्कस अबाउट द मिनरल्स एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ऑफ योर सिलेबस। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके, थैंक यू।